शाहरुख खान की पठान मूवी ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी इन इंडिया का जो टाइटल है वो बॉलीवुड के पास वापस आ चुका है। 5 साल लग गए। बाहुबली 2 जो इतने टाइम से नंबर 1 पे बैठी थी 511 करोड़ के साथ, उसको पठान मूवी ने रिलीज के 38 दिन बाद तोड़ दिया। ऑलमोस्ट 512 करोड़ कमा लिया। इस बारे में सोचने जाओगे तो ये बहुत ही इनसेन अचीवमेंट है। लाइक इमेजिन करो, पठान के 3 हफ्ते बाद कार्तिक आर्यन की शहजादा रिलीज हुई थी जो कि निपट गई। 26 करोड़ पूरे लाइफ टाइम में कमा के पिक्चर खत्म हो गई। पठान अभी भी चल रही है। अक्षय कुमार की सेल्फी जो पठान के 1 महीने बाद रिलीज हुई, इस फ्राइडे सैटरडे संडे को पठान उससे ज्यादा पैसे कमाएगी। 1 महीना पुरानी पिक्चर होने के बाद भी यह हालत है। तुमको अगर पता नहीं है तो फिर बॉलीवुड के लिए आमिर खान की मूवी थी जिसने सबसे पहले 100 करोड़ कमाए थे, फिर 200 करोड़ भी उन्हीं की पिक्चर 3 इडियट्स ने कमाए, फिर 300 करोड़ भी उन्हीं की पिक्चर ने खोला था। दिसंबर 2016 में उनकी दंगल रिलीज हुई जो अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनी 387 करोड़। 4 महीने बाद बाहुबली 2 आता है, एक हिंदी डब्ड मूवी, और उसने 387 को बढ़ा के सीधा 511 कर दिया। उसके आसपास आना तो छोड़ ही दो, बॉलीवुड की किसी भी मूवी ने 400 का आंकड़ा टच नहीं किया था। फिर उसके बाद पठान आई और उसने क्या आग लगाई है ये तो तुम सबको पता है। लेकिन किसी ने भी पठान के रिलीज से पहले प्रिडिक्ट नहीं किया था कि पिक्चर इतना ऊपर जाएगी। ऑलमोस्ट सबके जितने भी पहले प्रिडिक्शन थे सब तोड़ दिए। इवन पठान के 2 दिन के कलेक्शन देखने के बाद मैंने एक ट्वीट मारा था कि हाँ इंप्रेसिव है, लेकिन बाहुबली एक अलग बीस्ट था और अब पठान ने उसी बीस्ट को हरा दिया। ऊपर से एक और बात तुम सोचो कि बाहुबली पार्ट 2 थी, उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि पार्ट 1 ने उसके लिए ऑडियंस सेट करके रखी हुई है और इतना बड़ा मिस्ट्री था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पठान को देखने जाओगे तो उसकी खुद की स्टोरी के अंदर वो पहला पार्ट है और ये 512 करोड़ कमाने के बाद एक और रिकॉर्ड पठान के नाम पे हुआ है पूरी इंडिया के अंदर एक किसी भी सिंगल लैंग्वेज में सबसे ज्यादा पैसे कमाने का। सारे उठा के देख लो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इकलौती लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने कमाया है बीटिंग बाहुबली 2, KGF 2, RRR सबको, पठान। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है। ये जो 511 512 को बीट करने वाली हम लोग बात बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का है। पठान ने बाहुबली 2 को हराया जरूर है लेकिन सिर्फ हिंदी में, क्योंकि अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया का नेट कलेक्शन देखने जाएंगे तो फिर बाहुबली ने कमाए थे 1030 करोड़, हिंदी का 511 था, तमिल में उसने 126 करोड़ कमाए और तेलुगु लैंग्वेज में 339 करोड़, मलयालम डब का जो 54-55 करोड़ बचा है सब मिलाने के बाद 1030 करोड़ ऑल ओवर इंडिया नेट। अब पठान ने हिंदी में तो 512 करोड़ कमाए लेकिन ऑल ओवर इंडिया का उसका अब तक का जो पूरा टोटल है 530 करोड़। हाँ, तमिल और तेलुगु जो डब निकाले गए थे पठान के, दोनों को मिला के उसने बस 18 करोड़ कमाए हैं। सेम चीज होती है केजीएफ चैप्टर 2 के साथ, जिसने हिंदी में 435 करोड़ कमाया था और कन्नड़ा वर्जन में 155, मलयालम का 50, तमिल का 105 और तेलुगु का 115, सब मिलाने के बाद केजीएफ चैप्टर 2 ऑल ओवर इंडिया में 860 करोड़ पे। तो इसका मतलब ले दे के ऐसा होता है कि भले ही पठान हिंदी में नंबर 1 पे हो लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वो 4th पे है, बाहुबली, केजीएफ चैप्टर 2, आरआरआर के बाद पठान। अब तुम लोगों को शायद इस बात पे थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि पठान को साउथ में उतना सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ 18 करोड़, और इसी को चिपका के वीडियो का जो टाइटल है वो क्वेश्चन भी निकलता है कि फिर हिंदी मूवी साउथ में क्यों नहीं चलती। वेल, अब यहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस का डेटा अपने सामने पड़ा हुआ है उसके अंदर हम लोग और गहराई में झांक के देखेंगे तो एक डिफरेंट पिक्चर निकल के आता है अपने सामने। क्लियरली बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो कि इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना है। वीडियो में मजा आ रहा है तो थोड़ा सपोर्ट इधर भी कर दो यार। लेकिन जो मेरा एक्चुअल पॉइंट था कि मूवीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन होता है ना वो सर्किट वाइज करता है। सर्किट बेसिकली इंडिया के ही अंदर अलग अलग जगह को नाम दिया गया है जो कि बहुत बार स्टेट के बॉर्डर से अलग होते हैं। सिंपल में बताने के लिए जो मैप मुझे मिल पाया वो तुम्हारे सामने है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। चीजें इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब हम लोग पठान के कलेक्शन को ये सर्किट वाइज देखते हैं। निजाम और आंध्र प्रदेश का जो सर्किट है जिसके अंदर थोड़ा पार्ट महाराष्ट्र का, थोड़ा पार्ट कर्नाटक का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सब कुछ मिला के होता है, उसके अंदर पठान ने 30 करोड़ कमाए। मैसूर का जो सर्किट है जिसके अंदर थोड़ा कर्नाटक आता है इंक्लूडिंग बैंगलोर, उसमें उसने 31 करोड़ कमाए। तमिलनाडु और केरला सर्किट्स को मिलाने के बाद वहां पे पठान ने 14 करोड़ कमाए। इंपॉर्टेंट क्यों है बताना है? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये उसके हिंदी कलेक्शंस हैं। थोड़ी देर पहले जो मैंने तुमको वीडियो के अंदर बताया कि तमिल तेलुगु को मिलाने के बाद 18 करोड़ हुए हैं वो डब वर्जन था। इसका मतलब कि साउथ में भी पैसे कमाए पठान ने लेकिन वहां पे उसका हिंदी वर्जन ही ज्यादा चला है। जो 4 सर्किट्स मैंने तुमको बताया उन्हीं के कलेक्शन ऐड करने पे 75
करोड़ होते हैं। अब हाँ, उसके अंदर थोड़ा पार्ट महाराष्ट्र का भी आता है, लेकिन मोस्टली साउथ के अंदर इतना कमाया है पठान ने। अब यहाँ पर जो बातें मैंने तुमको बताई उससे दुनिया भर के कंक्लूजन निकल सकते हैं, कितनी चली कितनी नहीं चली, डब की क्वालिटी क्या थी, डब की क्वालिटी मैटर करती है, और क्या वहाँ की ऑडियंस को डब में देखने की आदत है, वो भी हिंदी मूवीज के। अब ये 75 करोड़ एक अच्छा खासा अमाउंट है, क्योंकि लास्ट ईयर ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पिक्चरें ऑल ओवर इंडिया इतना नहीं कमा पाई थी। लेकिन अगर हम लोग बाहुबली 2, KGF चैप्टर 2, RRR के इतने टेरिटरीज के कलेक्शन देखे तो ये कम पड़ जाता है, इसीलिए पठान ऑल ओवर इंडिया में नंबर 4 पे रह गई। लेकिन अगर ये 75 करोड़ साउथ से नहीं आते जो कि उसके हिंदी वर्जन के कलेक्शन में एड है, तो ये बाहुबली 2 को नहीं बीट कर पाती। और इसका एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि हिंदी मूवीज और उनके डब वर्जन को साउथ में अपनी ऑडियंस बिल्ड करने का काम करना अभी बाकी है। तुम्हें भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोई एक बैड एस आए जो इन सबको हरा दे। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए डेटा मैंने इंटरनेट से उठाया और जो मेरे मेन सोर्सेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिसका मतलब ऐसा होता है कि इस वीडियो के अंदर बोली हुई बहुत सारी बातें गलत भी हो सकती हैं। तुमको अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट्स में बता देना, मैं पिन कर दूंगा। और अगर तुमको एकदम बेहतरीन वाली मूवीज देखने तो फिर मैंने वीडियो बनाई है, ये रही, चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम रहा, मैं मिलता हूं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।